होंडा ने 125 सीसी की दूसरी एडवांस अर्बन स्कूटर होंडा ग्रेजिया 125 BS6 को भारत में लॉन्च कर दिया है। होंडा ने इसके काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं जो कि आपको BS4 के मुकाबले BS6 में इसके लुक और फीचर्स में देखने को मिलेंगे। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनू फिर आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको होंडा ग्रेजिया 125 के फीचर्स और अपडेट के बारे में बताएंगे क्या इसमें आपको बदलाव किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और जाते समय लाल वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो होंडा ग्रेजा 125 BS6 की शुरुआती एक शोरूम कीमत 73,912 और 80,978 है, जो कि इसके दो वेरिएंट स्टैंडर्ड और DLX की है। होंडा ग्रेजिया BS6 को दो वेरिएंट और चार कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। वही बात करें ऑन रोड प्राइस की, तो 87,000 से लेकर 92,000-92,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आने वाला है। ये आपको दोनों वेरिएंट का है, 87,000 के आसपास इसका स्टैंडर्ड का आ जाएगा और DLX का 90,000-92,000 के आसपास आएगा। ग्रेजिया के फ्रंट लुक को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ न्यू डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको स्लीकर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। हैंडबाउंड क्राउ को वी आकार के LED DRL देखने में मिलेगा जो कि ग्रेजिया के और प्रीमियम लुक देती है। इसमें आपको न्यू इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच इंटीग्रेटेड स्विच दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने इसमें नया स्लिप्ट पोजिशन लैम्प दिया है। मल्टी फंक्शन स्विच, काफ़ी खूबसूरत टेल लैम्प, स्लिप्ट ग्रैब लेल और साइड पैनल पर 3D लोगो इसे और स्पोर्टी लुक प्रदान करती है। इसके DLX वेरिएंट में एक्टिवा 125 BS6 की DLX वेरिएंट की तरह ही आइडल स्टॉप सिस्टम देखने को मिलेगा जिससे कि माइलेज बढ़ जाएगी जैसा कि होंडा क्लेम करती है, क्योंकि इसमें इंजन थोड़े देर चलने के बाद आप कहीं पर रुकते हैं तो इंजन थोड़े देर में ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर लेने पर इंजन एक्टिव हो जाएगी और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इसके मल्टी फंक्शन स्विच से स्कूटर को ऑन ऑफ, हैंडल को लॉक अनलॉक, सीट ओपन और फ्यूल फिलर कैप को भी आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। होंडा ग्रेजिया BS6 के डिस्प्ले में फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलता है जिसमें कि रियर टाइम माइलेज इंडिकेटर, एवरेज माइलेज इंडिकेटर, डिस्टेंस टू इम्पेटी, इको इंडिकेटर और इंजन माल फंक्शन लाइट FI लाइट के साथ ही साइड स्टैंड इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। न्यू ग्रेजिया BS6 में प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन के साथ साथ ESP इनहेंस स्मार्ट पावर के साथ 125 cc की सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो कि 6.07 bhp की पावर 6000 rpm पर और 10.3 nm का टॉर्क 5000 rpm पर देती है। ग्रेजिया में आपको 108 kg की कर्व वेट के साथ 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। इसके फ्रंट में 90x90 और रियर में 90x100 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। वही बात करें ब्रेकिंग की, तो इसके DLX वेरिएंट के फ्रंट में 190 mm का डिक्स और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके दोनों वेरिएंट में आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। ग्रेजिया में आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप रियर सस्पेंशन और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आपको कोई भी डाउट हो ऑन रोड प्राइस को लेकर या फाइनेंस को लेकर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।